बेटा मारुख तो घर पे नहीं है। कहाँ गई है? वो सुबह से जिद लगाई हुई थी कि कोमल के घर जाने उम्मीद से मिलने। हालांकि मैं तो बहुत रोक रही थी, मना कर रही थी, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और वो चली गई। आंटी मैं भी कुछ दिनों से ये फील कर रहा हूँ कि कोमल आपी की मौत के बाद मारुख बहुत अजीब सी होती जा रही है। कई बार मैंने उसे समझाया कि खुद को इस सदमे से बाहर निकालो, लेकिन वो समझ ही नहीं रही। अब खुद देखेंगे, पिछले 2-3 दिन से मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही है, मुझसे बात नहीं कर रही, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुम सही कह रहे हो बेटा, हमने तो उसे बहुत समझाया लेकिन उसकी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यकीन जानो मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। आंटी उसे इस सदमे से बाहर निकालने के लिए मैंने उससे खुद शादी की बात की थी, फिर उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि मुझसे शादी की बात मत करो। क्या ऐसा कहा है उसने? नहीं, तुम परेशान ना हो, मैं खुद बात करूंगी उससे। बल्कि मैं तो चाह रही हूं कि तुम अपने अम्मी अब्बू से बात करो। कोमल के 40वें के बाद कोई भी तारीख मुनासिब हो और आके ले जाए मेरी बेटी। शुक्रिया आंटी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपसे ये बात कैसे करूं, बहुत परेशान था। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो खुद मारुख को इस हालत में देखकर परेशान हूँ। शादी हो जाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तो डर है कि कहीं वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ने चाहा तो हम उसे फिर से नॉर्मल जिंदगी में वापस लेकर आएंगे। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसे।